नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के गांव जगूढ़ी की 25 वर्षीय नवविवाहिता आशु ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आशु यमुनानगर के गांव भगवानपुर की रहने वाली थी। मृतका महिला के चाचा सुभाष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 3 साल पहले आशु की शादी रादौर के गांव भगवानपुर में कृष्ण से हुई थी, जो कि बढ़ई का काम करता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही आशु और कृष्ण के बीच लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। इसके चलते कई बार आशु के ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसे उसके घर पर भेज दिया। इस बात को लेकर कई बार रिश्तेदारों की ओर से पंचायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद आशु के परिजन उसे अपने घर लेकर आ गए, लेकिन कुछ दिनों पहले ही आशु के ससुराल पक्ष के लोगों ने आशु के परिजनों से बार बार आकर प्रार्थना की कि आप आशु को उनके घर भेज दीजिए। इस पर आशु के परिजनों ने आशु को उसके पति के घर भेज दिया। कल देर रात आशु के परिजनों को आशु की मौत के बारे में गांव के सरपंच ने फोन करके जानकारी दी। जब मृतका महिला के परिजनों ने मृतका आशु के शव को देखा तो उन्होंने देखा कि उसका गला जबरन घोटा हुआ था, जिसको देखकर ये लग रहा है कि आशु का जबरदस्ती गला घोट के उसे मौत के घाट उतारा गया है। तुरंत ही डायल 112 को फोन करके सूचना दी गई, जिसके बाद डायल 112 पुलिस के कर्मचारियों ने रादौर पुलिस स्टेशन को सूचित किया। डायल 112 पुलिस की गाड़ी में ही मृतका आशु के शव को रखकर यमुनानगर के पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। अभी तक रादौर पुलिस ने मृतका आशु के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया है। वहीं मृतका आशु के परिजनों का कहना है कि आशु के ससुराल पक्ष के लोगों ने ही उसकी हत्या की है और उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। तो ये कैसे हुई है? बस इसकी तो मान ले गला घोटते आया जी, हमारे पास 1 बजे फोन किया, बिका लड़की तो बोल नहीं रही कुछ। सरपंच ने फिर फोन किया, ये लड़की में कोई कुछ नहीं है। तो हमने जाकर देखा, बेड पे पड़ा रखी थी और ये सारे मंदिर में बैठे, पड़ोस का कोई भी था, किसी को नहीं पता। क्या लग रहा है आपको? हमारे को था ये तो सब इन्हें दिख रहे थे वहाँ पे, मान ले जो ये दिखा रहे ना भी वहाँ पे, ये इसने भी फांसी लिया होती वहाँ, इतना सब कुंडा है जो उसमें एक रस्सी भी नहीं आती कुंडे में, तो वहाँ पे लड़की भी चढ़ सकते, आप भी चढ़ सकते। इससे पहले का किसी तरह वही क्लेश सामने? बहुत क्लेश आए थे, हमने कई बार समझाया, रात को 12-12 बजे भी गए हम वहाँ पे समझाया, फिर भी नहीं समझे। सरपंच ने भी मान ले वो ली थी जिम्मेवारी अपनी, उसके भी नहीं माननी, फिर सरपंच ने बेचारे नार के हमारे को कह दिया भी लड़की ने ले जो कोई। उसके बाद हम अपने घर ले आए, हमारे पास 1 महीना रही 1.5 महीना रही, तो फिर ये के साथ ससुर जी गए, जेठ भी गया, सारे मारे को हाथ पैर जोड़े भी लड़की को भेज दो, फिर इसकी मम्मी लाचार थी भी, हम कैसे घर गृहस्थ भी चले, किधर गृहस्थ बस रह जाएगी, तो इस करके हमने भेज दी थी ये, तो हमने क्या पता भी ये हमारे साथ ऐसे करेगा भी लड़की के साथ। तो फोन क्या आया था आपके पास? हमारे पास तो सरपंच ने फोन किया था जी, सरपंच कह रहे भी लड़की वही है नहीं, उसमें कुछ भी साथ। पति क्या करता है इसका? ये लकड़ी का काम करता है। तो लड़ाई झगड़ा किस वजह से करता था? वह लड़ाई नशे करता है, दारू पीता है। तो इससे पहले कई बार मेरे साथ भी नहीं बैठ सकता ये, तो एक बार मैंने फोन किया तो ये पूरी गाड़ियाँ दे रहे जी, नुकारा फिर कह दे जिस मर्जी कहा, मैं नहीं डरता था। तो अभी कब लेके गए थे लड़की को ससुराल पक्ष के लोग? ये अभी 2 महीने पहले लेके गए। इससे पहले कोई पुलिस को भी शिकायत दी हुई है कभी? ना पुलिस को नहीं शिकायत दी है, पंचायती तौर पे। हाँ, पंचायती तौर पे हमें भेजी थी। तो आपने बॉडी को देखा है तो क्या लग रहा है देखने से? क्या उसको जबरदस्ती उसका गला घोट के मारा गया? हाँ, जबरदस्ती है, निशान पड़ रही थी। तो अगर मान ले फांसी लेती तो नाड़ भी तो ऊपर उठती उसकी। तो किस किस का हाथ लग रहा है इसमें आपको? इस हफ्ते तो सारे घर को, जब मान ले पास में ही घर आए जी, तो क्या पता नहीं लगता मान ले कोई लड़ाई झगड़ो या तो मान ले अरे कोई बता देते। वैसे अलग रहता था परिवार से? नहीं, साथ में ही है, घर में घर आया है, दोनों कोई वहीं पर रहते हैं, सास ससुर वहीं पर रहते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।